हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग के अंदर। तो आज हम लोग आए हैं ट्रैकिंग करने के लिए भुज के पास में, एक टपकेश्वरी करके बहुत ही बेहतरीन जगह है। और कल ही जो है यहाँ पर बारिश हुई थी, उस वजह से ये जगह और भी अच्छी हो गई है। तो आज हम आए हैं ट्रैकिंग करने के लिए। तो आप मेरे पीछे जो है पहाड़ देख पा रहे हो, इस साइड भी मेरे पीछे पहाड़ देख पा रहे हो और इस साइड भी मेरे पीछे पहाड़ देख पा रहे हो। तो ये सारे पहाड़ पर चढ़ने के लिए आज हम आए हैं टपकेश्वरी। सो फाइनली हम लोग जो है टपकेश्वरी पहुंच चुके हैं और इसका नाम टपकेश्वरी पड़ने का कारण है ये कुंड। सो इस कुंड की वजह से जो है इसका टपकेश्वरी नाम पड़ा है, क्योंकि इस कुंड के अंदर जो है पानी टपक टपक के आता है, पूरे जो भी पहाड़ है वहां से आता है और इस कुंड के अंदर पूरा बारह मास पानी रहता है, जिस वजह से इसका नाम टपकेश्वरी पड़ा है। कच्छ के राजा जो खेंगार जी थर्ड थे, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी 1876 से लेके 1942 तक। और इसका टपकेश्वरी का जो दूसरा नाम है वो यही है चामुंडेश्वरी, जो कि इस मंदिर की वजह से पड़ा है। आप जैसे कि ये मंदिर यहाँ पे देख पा रहे हो। तो बारिश के अंदर जो है यहाँ से पूरा पानी जो है नीचे की तरफ जाता हुआ है, जिस वजह से ये रास्ता बन गया। और आप ये रास्ते को देखिए, एकदम मस्त ऊपर पूरे पेड़ हैं और नीचे की तरफ से हम जाते हुए, और सोचिए जब बारिश होती होगी तो ये रास्ता कितना मस्त कर। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी गुफाएं हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बहुत ही बढ़िया है ट्रैकिंग के लिए ये जगह। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। सामने देखिए पूरा एक रास्ता बना हुआ है ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर। देखिए बादलों के बीच में पूरा आपको भुज दिख रहा है और भुज से हम लोग काफी ऊपर आ चुके हैं, काफी ऊंचाई पे आ चुके हैं। शायद आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का भुज यहाँ पर। और हालत हो गई है टाइट, अभी और थोड़ा नीचे जाना है यहाँ से, अभी भी कम से कम 2-2.5 किलोमीटर है। मैं आपको बताना भूल गया कि हम लोग जा रहे हैं अभी जूनी टपकेश्वरी, जो पुरानी टपकेश्वरी थी वहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ से अभी 2-2.5 किलोमीटर है, तो पूरा जंगल के अंदर रास्ता है, सिर्फ पगडंडी बनी हुई है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो इस टाइप के कुछ निशान रखे होंगे ताकि आप रास्ता भटको नहीं और सीधा जो है जूनी टपकेश्वरी आप पहुँच जाओ। तो हम लोग भी ये निशान को फॉलो करते हुए जाएंगे सीधा का सीधा, देखते हैं और कितना टाइम लगता है हमारे को। यहाँ पे बहुत थकान है यार, बहुत थक गया मैं तो। भाई साहब फिर रोना चालू हो गए। अगर ये दिनों दर गए थे तब भी रो रहे थे और अभी वापिस जो है रोने लग गए। और रास्ता वही है जो पानी बह बह के रास्ता बना है, बाकी और कोई ऐसा रास्ता नहीं है। सुबह सुबह आइएगा जल्दी 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 मॉर्निंग के अंदर, तो क्या है गर्मी कम लगेगी और दर्शन भी जो है
अच्छे से होंगे। सो बेसिकली आज संडे है और संडे को हम लोग आए हैं। आप भी ट्राई करिएगा कि संडे के या वीकेंड के आसपास आइएगा तो बहुत पब्लिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। और पूरा रास्ता जो है बहुत संकरा है और पेड़ हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो पेड़ जरूर है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, निशान लगाए गए हैं, कपड़े लगाए गए हैं ताकि आप भटके नहीं एक रास्ते से। और जंगल देखिए आप, पूरा रास्ता जो है जंगल के अंदर है। और अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्लेस है ये टपकेश्वरी, आप एक दिन ज़रूर आना। और हाँ, फ्रेंड्स के साथ अगर छोटी सी पिकनिक आपको बनानी है तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। आप अपना सामान लेके आइए। तो क्या करना है आपको कि सिर्फ वहाँ से जो भी है सामान परचेस करके लेके आना है और आप यहाँ पर आके इंजॉय कर सकते हो। बारिश होगी, अगर आपकी किस्मत अच्छी है बारिश हुई तो फिर आप जो है पानी के भी इंजॉय कर सकते हैं। वैसे कल बारिश हुई है तो हम लोग देखते हैं कि हमें पानी देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। तो पूरा यह इलाका जो है जंगल है और बारिश की वजह से घास ही घास हो गई है। शायद दूसरे टाइम पे ये घास नहीं हो यहाँ पे ऐसी ग्रीन। तो रास्ते देखिए आप, रास्ता कुछ इस तरह का रास्ता है। आपको लगेगा कि आप बहुत गिरनार के जंगल के अंदर आप आ चुके हो। इस तरह का कुछ रास्ते हैं, बहुत ही बढ़िया है। भुज के अंदर भी एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, आप आ सकते हो यहाँ पे। हम लोग जो है जूनी टपकेश्वरी पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे उस साइड के अंदर मंदिर है। और रास्ता बहुत ही बढ़िया भी था और खतरनाक भी था, कहीं कहीं पे पगडंडियां नहीं थी। तो जैसे तैसे करके हम लोग पहुंचे हैं और उमस बहुत ज़्यादा है, बारिश कल ही हुई थी इस वजह से बहुत ज़्यादा उमस हो गई है। तो दर्शन करते अभी जाके अंदर। तो फाइनली अब हम लोग जो है वहाँ पीछे की तरफ जा रहे थे। बहुत ही अनदेखी जगह है, मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। जब हम लोग आ रहे थे तो काफ़ी लोग वापस भी जा रहे थे। जो लोग ट्रैकिंग पसंद करते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट जगह है, वो यहाँ पर आके ट्रैकिंग कर सकते हैं। और ये पूरा बहुत बड़ा बरगद का जो है पेड़ है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फिसलन है तो देख के आइएगा। कल ही बारिश हुई इसलिए इसके ऊपर जो है काई है वो जम गई है, तो आप थोड़ा देख के आइएगा। पेड़ों का भी ध्यान से दिए, ये ऐसे ऐसे पेड़ हैं। हाँ, उनको भी ध्यान रखिए, ज़्यादा जोर से ना पकड़िए। तो फाइनली हम उस पत्थर से यहाँ की तरफ आ गए और अंदर की तरफ आने की जाने की ट्राई कर रहे हैं। तो आपको ये सेम भुज के अंदर एक जगह है खारी नदी करके, उसकी कुछ याद दिला रहा है ये। और दोनों तरफ आप देखिए, पूरा एरिया आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन जो है नज़ारा हो रखा है। और आगे जाने की हम लोग ट्राई करते हैं। सोचिए अगर बारिश आ रही होगी तो ये पूरा जो है पानी से बहता हुआ जा रहा होगा ये। और जो है पानी जो है वहाँ ऊपर से नीचे आता है, यहाँ पर देखिए नीचे एक कुआं टाइप का बना हुआ और ये पूरा भरने के बाद ये पूरा पानी जो है
यहाँ बाहर की तरफ ऐसे सीधा निकल जाता है। तो बहुत ही बढ़िया प्लेस है। खारी नदी भी कुछ इसी तरह का प्लेस है, वो भी हम किसी दिन आपको बताएंगे ज़रूर। बट यहाँ पर आके हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अभी तक हमसे ये क्यों अछूता रहा और हम लोग पहले क्यों नहीं आए इसके ऊपर। बहुत ही बेहतरीन जगह है। ऊपर आ गए और ऊपर वहाँ पे छोटा सा कुंड है, बहुत ही मस्त नज़ारा हो रहा है वहाँ पे। आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे कुंड है, पता नहीं अंदर कितना होगा हमें पता नहीं, और गहराई भी इसकी कितनी होगी वो भी पता नहीं है। बट आप देख पा रहे हो शायद वहाँ पर पत्थरों में से, पहाड़ में से जो है पानी धीरे धीरे रिस रहा है, जिसलिए इस जगह का नाम पड़ा है टपकेश्वरी, क्योंकि पानी जिस हिसाब से टपक रहा है उसके ऊपर ही इसका नाम पड़ा है टपकेश्वरी। और यहाँ से नीचे की तरफ से आप शायद देख पा रहे हो, मैं इसको नीचे लेता हूँ, आपको नीचे की तरफ से कैनाल दिख रहा है जो वहाँ है, वहाँ से पानी होता हुआ सीधा यहाँ पर आता है और ये पूरा भर जाता है। ये पूरा भरने के बाद पानी ओवर फ्लो होकर यहाँ से निकलता है पूरा पानी, और वो पूरा भरता है, वो पूरा भरने के बाद पानी जो है बिल्कुल इस तरह से बाहर की तरफ निकल जाता है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा हो रहा है यहाँ पे। धूप है, गर्मी है, पर फिर भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक बार ज़रूर जो है इसको विज़िट करना आप लोग, और ट्राई करिएगा सुबह जल्दी आएगा, कुछ 5-1 बजे आप निकल जाइए टपकेश्वर ऊपर चढ़ने के लिए पहाड़ के ऊपर। तो आपको क्या है कि ठंड के अंदर 9 बजे के आसपास आप लोग रिटर्न हो सके, और उसके बाद दोपहर के बाद तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है हम लोगों की भी। तो हम करते हैं यहाँ पर कुछ फ़ोटो सेशन।